उन्होंने आपको बाहर भेज दिया कुछ अच्छा अच्छे के लिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमने तो पूरी फोर्स लगा दी थी कि आपको जिताए, पर डेफिनेटली जो होता है भाई। अच्छे के लिए होता है। सो फाइनली बिग बॉस से बाहर आने के बाद अनुराग डोभाल अपने ट्विटर स्पेस पे भी अपने फैंडम वाले से बात करने आए थे। यस, बहुत देर तक बात की है, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बात की अपने सभी लोगों से। बेसिकली वहाँ पे जो जो जरूरी बातें हुई है उन सबको यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो आप देखो क्या क्या बात किए हैं। डेफिनेटली ऑफिशियल भाई से आप जब मैं लोगों ने। ऑफिशियल से जब भी मैसेज आता था कि ये आपने कॉन्टेस्ट आ रहा है, ये करने का है, वो करने का है, रात को 2 बजे भी आए तो भी हम तुरंत एक्टिव हो जाते थे। भाई आई नो भाई, मैंने पूरी जर्नी देखी यार, आप लोगों ने मेरी जर्नी उस टाइम देखी, मैंने बाहर आकर के आप लोगों की जर्नी देखी कि रात 2-2, 3-3 बजे लोग मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखी कि 3-3, 4-4 बजे तक लौंडे खड़े थे अपने यार हर एक चीज के लिए कि भाई इतने कमेंट करने, इतना वो करना है। लोगों ने ट्यूटोरियल्स बना करके डाले, सोचो कितनी बड़ी बात है उन लोगों के लिए जिनको ट्विटर यूज करना भी नहीं आता था। बट आज की डेट पे भाई सबको पता है कि भाई मतलब हमारा फैंडम कितना स्ट्रॉन्ग खड़ा है ट्विटर पे, कुछ भी चीज आती है तो पेल देते हैं भाई लौंडे। और ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी से कुछ ऊपर नीचे वाली चीजें देखते नहीं, कहाँ किससे क्या भिड़ रहे हैं, बट खतरनाक हो यार तुम लोग। वही भाई, वही भाई, आपको पूरा दिख गया। आपको जितना ही हम करे, पहला मोटिव था अनुराग भैया को जिताना है, मैं बोला ना और भाई पूरी ब्रोसेना भी। ट्रॉफी नहीं जीत पाए, बट लोग जीत के आ गए भाई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ट्रॉफी तो डेफिनेटली फ्यूचर में कोई ना कोई शो में जीत ही जाएंगे यार, बट लोग जो जीते हैं ना भाई वो जिंदगी भर के लिए जीते हैं, ट्रॉफी भूल जाएंगे भाई। और वैसे भी अब उस ट्रॉफी की कोई वैल्यू नहीं रह गई यार, उनके जो फिक्स विनर हैं वो जिताते रहे, बट ये लोग तो नहीं जीत पाएंगे ना वो कभी। ठीक है, यस देखो भाई, राहुल यस भाई, भाई, राहुल भाई, राहुल भाई को बोल आपका देता हूँ जब उसको। इविक्शन हुआ था। ठीक है ठीक है, राहुल भाई बोल लो फटाफट। जय श्री राम अनुराग भाई। जय श्री राम राहुल भाई। भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैंने आपके लिए 5-5 बजे तक कमेंट किए हैं रात को। भाई दिल से शुक्रिया मेरे भाई, भाई दिल से शुक्रिया। भाई एक क्वेश्चन है कि आप ट्विटर पे एक्टिव रहना, 2-3 दिन में एक दो दो ट्वीट डालते रहना, यही कहना डेफिनेटली था। भाई ट्विटर पे अभी फुल एक्टिव मस्त एकदम, शो के आने के बाद भी मुझे यार ट्विटर का इतना ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं पता था, बट ट्विटर बहुत स्ट्रांग है भाई, बहुत स्ट्रांग। और अब ट्वीट भी मिलते रहेंगे आपको और स्पेसेस भी मिलती रहेंगी, डेफिनेटली हम आकर के बात करेंगे भाई। और अभी तो बहुत प्रोजेक्ट्स रिवील कर रहे हैं तो ट्विटर पे ही सबसे पहले रिवील करूंगा भाई आप लोगों के लिए। और शुक्रिया भाई मेरे को माइक देने के लिए। अरे ओके भाई, शुक्रिया भाई, थैंक सपोर्ट यू। करने, थैंक यू। श्वेता जी बात कर लीजिए। हेलो, या हाय, आप कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो यार? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, मेरे को आपके साथ ना आपकी सुपर बाइक पे बैठ के ना पूरा इंडिया घूमना है एक बार। डेफिनेटली यार, जब भी मेरे को आप बताना आप कहाँ से हो, आप जो भी ये पोस्ट हरियाणा, कर रहे हो, पानीपत हरियाणा। HR गाड़ी नंबर मतलब बदमाशों का क्षेत्र है। हरियाणा आऊंगा यार तो पक्का मैं आपको घुमाऊंगा, ठीक है? ठीक है, ईस्ट चलो और वेस्ट, अनुराग भैया इज बेस्ट। शुक्रिया यार, शुक्रिया, थैंक थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच। यू सो मच श्वेता जी। नेक्स्ट वन दक्षा बोल ले। जय श्री कृष्ण अनुराग भैया। जय श्री राम बहन, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, मुझे खुशी। आप जो सुपरा लाए थे ना, तो गुजरात से लेके गए थे। हाँ, अच्छा आप गुजरात से हैं? हाँ जी, हम गुजरात से ही लेकर के गए थे। मुझे ना एक सवाल करना है कि आप जब बिग बॉस में थे, तब जैसे दूसरे जो कंटेस्टेंट्स थे उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, तो आपको कौन सा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था वहां पे? यार वो बिग बॉस वर्सेस मी करके एक वीआईपी ट्रीटमेंट हुआ था, और फिर दूसरा वो वीआईपी ट्रीटमेंट वॉक ऑफ शेम मिला था मुझे। सो यही वीआईपी ट्रीटमेंट मिले यार जो कभी बाहर नहीं दिखाए गए। हाँ उनके वीआईपी ट्रीटमेंट्स उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए मिलते थे, फर्क इतना था कि मेरे वीआईपी ट्रीटमेंट्स मेरे को तोड़ने के लिए दिए जाते थे। बट आफ्टर ऑल भाई स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड बाहर आए आप ही लोगों के कारण यार। ऑनेस्टली मैं बोलना चाहूंगा स्पेस में कि यार बाहर आकर के अगर ये सब चीजें नहीं होती ना भाई, ये सब चीजें नहीं देखता, तो मैं सोचता था कि यार
शायद ना ही उठूं, बेटर है अगले दिन के लिए। बट ये सब चीजें जब बाहर आकर के देखी ना, तुम लोगों का जो सपोर्ट देखा यार, आई फील इमोशनल। मैं हर बार इमोशनल हो जाता हूँ इन सब चीजों के लिए यार, बहुत अनबिलीवेबल चीज करी है आप सब लोगों ने। सो कांट टेल यू, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि कितना सपोर्ट दिखाया है और कितना ये जो जर्नी थी ना, ये 3 महीनों की, हम सब लोग कहीं ना कहीं एक इमोशनल जर्नी पे थे यार हर एक चीज को लेकर के। बट जब मैं बाहर आकर के वो इमोशनल जर्नी देखा ना कि कितना कुछ करा है, सो जिंदगी मैं बताना चाहूंगा भाई, मैं बस ये बताना चाहूंगा, ये दक्षा जो है ना, स्टार्टिंग में जब हमारा ट्विटर पर फैंडम खड़ा होता था, ये सबसे पहली मतलब सिस्टर से ना की एक पार्ट थी जो हमारे साथ जुड़ी थी, तो तब से लेके अब तक भी ये साथ है और आगे भी मतलब बहुत अच्छे से हर इसमें पार्टिसिपेट करना, मतलब 100% देना तो हमेशा किया इन लोगों ने। थैंक यू सो मच दक्षा ब्रो, सेना तो अपनी साइड खड़ी थी, बट लड़कियों ने यार यू नो लड़कियों ने फ्रंट एंड में आकर के, मैं भी इंस्टा की फॉलोइंग चेक कर रहा था भाई, मेरा जाने से पहले 10% का रेशियो था, अभी 40% मेरे को लड़कियां फॉलो कर रही हैं, तो लड़कियों ने आकर के इतना डंके की चोट पे सपोर्ट करा यार, हैट्स ऑफ वाली चीज है। लड़कों के लिए तो चलो ठीक है यार, सपोर्ट कर रहे थे, बट वो सिस्टर सेना जो सपोर्ट दिखाया हर एक लड़की ने फैमिली से, बहुत क्रेजी सपोर्ट दिखाया यार। आपने जो मतलब जितना भी आपने किया बहुत बढ़िया किया, रेस्पेक्ट भाई बहुत बढ़ गया आपके लिए, बहुत मतलब दिल से, और इमोशनली भी आपको 24 लाइव मतलब रायो रहता ना, वो हम लोग कंटिन्यूअसली देखते रहते थे आपको, मतलब इमोशनली कनेक्ट हो गए थे आपसे, और बहुत ही बढ़िया रही आपकी जर्नी। थैंक यू भाई, शुक्रिया। बिग बॉस की जर्नी तो अच्छी थी भाई, अब नई जर्नी शुरू हो रही है बिग बॉस के बाद, सो डेफिनेटली यू आर गोना बी अ पार्ट ऑफ दैट भाई, और साथ जिएंगे ये जर्नी भी। यस ब्रो डेफिनेटली। और आप पुणे में कब मीटअप कर रहे हो ब्रो? भाई पक्का पक्का, सारे स्टेट्स में हमारे मीटअप्स लाइंड अप है, अभी सबसे बड़ा मीटअप तो 22 तारीख को होने वाला है पूरे यू नो भारतवासियों का, सो रियली एक्साइटेड फॉर दैट, वहाँ डेफिनेटली आओगे तो मिलेंगे भाई। यस प्लीज, और आपको एंड तक सपोर्ट रहेगा, कोई ये नहीं है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके साथ खड़े और खड़े रहेंगे हमेशा। थैंक यू भाई, मीन्स अ लॉट मेरे भाई। हमजा भाई बोल लो। हेलो अनुराग भैया, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई बढ़िया, क्या हाल है? बढ़िया भाई। भाई यूपी में कब आ रहे हो? भाई जल्दी आएंगे डेफिनेटली, अब तो अयोध्या में आने का प्लान है, तो जल्दी आएंगे भाई उधर। भाई नेक्स्ट बाइक कौन सी आ रही है अभी? भाई अभी डिसाइड नहीं करा है, जब डिसाइड करूंगा भाई तो डेफिनेटली बता दूंगा भाई। ओके चलो, अक्कू भाई बोल लो एक मिनट। बाबू भैया जय श्री राम। जय श्री राम अक्कू भाई, क्या हाल है? बाबू भैया आपको बहुत प्यार करते हैं, लखनऊ में रहते हैं, मैं बिल्कुल कांप रहा हूँ इतने वक्त, अब इतना समझ लीजिए भाई। मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूँ भाई, अच्छा लग रहा है, मैंने आपने मेरी आवाज हमेशा सुनी है भाई, बट आज जब मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश और इमोशनल हूँ भाई, कि उन लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है जो लोग मुझे इतना सपोर्ट करते रहे भाई। भैया देखिए जो भी हो, हम लोग स्टार्टिंग से, मैं आपको 2019 लास्ट से फॉलो कर रहा हूँ, जब वो क्या कहते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, जो आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी वो, जब प्रपोज वाला वीडियो था, तब से तो आपकी जर्नी स्टार्टिंग से देख के भैया बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, कि एक बताइए नॉर्मल बाइक पे चलने वाला लड़का आज वर्ल्ड का नंबर वन मोटो ब्लॉगर बना है, बहुत अच्छा लगता है भैया। थैंक यू भाई, सब आप ही लोगों ने बनाया भाई, जो बोला ना कि जो 300 रुपए कमाता था महीने का, आज अगर वो इतने लोग कमा पाए, ये सब कुछ तुम लोगों ने दिया है यार मेरे को, मैंने कुछ नहीं कमाया, ये सब कुछ आप लोगों ने दिया मेरा। अच्छा भैया दो क्वेश्चन है, कि ये म्यूजिक लेबल अपना स्टार्ट होने वाला था और लखनऊ में मीटअप कब? डेफिनेटली भाई म्यूजिक लेबल हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, अभी कल के व्लॉग में बहुत सारी चीजें रिवील करने वाले भाई हम लोग, एंड लखनऊ का मीटअप अभी अयोध्या
आ ही रहे हैं भाई, तो 22 तारीख को बहुत बड़ी चीजें प्लान है, तो डेफिनेटली उस दिन मिलते हैं। अच्छा भैया लास्ट वर्ड देखिए, जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए भैया। जय हो ब्रो सेना जी। थैंक जय हो भाई, जय हो, शुक्रिया भाई, जय हो। यू एफसी भैया, आपने मुझे मौका दिया। लव यू फ्रॉम हार्ट एंड अनुराग भैया, लव यू फ्रॉम हार्ट। अरे भाई चलो, थैंक यू चलो। जय हो भाई, आप बोल लो अभी। जय श्री राम, हर हर महादेव। भाई अनुराग भाई, मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं इन सबके लिए आया हूँ। बस 30 सेकंड में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे आपके चाहने वाले नीचे बैठे हैं। अगर आप बिग बॉस में रोए ना, तो ये सब रोए। अगर आप बिग बॉस में हंसे, तो ये सब हंसे। मतलब हर एक मोमेंट आपका इन्होंने, ये आप अकेले नहीं गए बिग बॉस में, आप अपना पूरा फैंडम, अपने चाहने वाले पूरा लेकर गए। तो भाई मैं ये कहता हूँ, आप हमेशा खुश रहना और इन सबको भी हमेशा खुश रखना। अगर हो सके भाई पंजाब में कभी आना। भाई मैं पंजाब से हूँ, इंडिया पहले, तो इंडिया फिर पंजाब से हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा, उसके आगे बहुत है। आपके सबके लिए काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, रोग हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू अनुराग भाई, जब भी आपको इस बाइक की जरूरत पड़ेगी, 24 आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। और आपके चाहने वालों को भाई, उन सबको मेरा सलूट है। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई, हर हर महादेव। शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा बोल के गए भाई आप। डेफिनेटली भाई भाई, पंजाब में जरूर आना भाई, पंजाब को मत भूलना भाई। भाई पक्का पंजाब में आएंगे और मिलेंगे आप लोगों से। शुक्रिया भाई, बिल्कुल। ओके भाई, ओके। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे अनुराग डोभाल हो या उनके चाहने वाले, सभी काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। भले ही अनुराग डोभाल को बिग बॉस 17 घर से बाहर निकाल दिया गया है, बट अभी भी उनके ब्रो सेना उनके साथ खड़ी है और काफी अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये सभी सुन के आप लोग का क्या रिएक्शन है? साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके बताना कि अभी बिग बॉस 17 में आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। बाकी ऐसे ही हर चीज का टाइम टू टाइम अपडेट पाते रहने के लिए जॉट गाई शॉर्ट्स या जॉट गाई दोनों को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।